क्या तीसरा विश्व युद्ध तय है? क्या तीसरे विश्व युद्ध तक बात जाएगी? बेलारूस जंग में हमेशा से पुतिन के साथ खड़ा हुआ है, ये आप सब जानते हैं। पहले दिन से खड़ा हुआ है, पश्चिमी देशों के निशाने पर पहले से ही है बेलारूस। लुकाशेंको ने पुतिन से न्यूक्लियर हथियार की मांग भी की थी, यह भी आपको मालूम है। और इस हमले के बाद बेलारूस बौखलाया हुआ है। पुतिन ने इशारा किया तो बेलारूस खुलकर जंग में उतर जाएगा। बेलारूस अगर जंग में उतरा तो पश्चिमी देश एक होकर लड़ेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर विश्व युद्ध को कौन रोक पाएगा? पीके श्रीवास्तव सर। दिनेश जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इससे पहले थोड़े से मैं बिंदु जोड़ना चाहूंगा। ज़ेलेंस्की जब से लौटे हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, उनका टेन्योर टेम्पर और उनका जो टोन है वो पूरा बदल चुका है। वो आप देख रहे हैं कि वो ऑफेंसिव हो गए हैं, और पीस प्लान में उन्होंने ऐसे 10 पॉइंट्स रखे हैं जो उनको पता है कि रशिया कभी नहीं मानेगा। और ये दोनों मिसाइल्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो पोलैंड में भी गिरी और ये बेलारूस में गिरी, ये बिल्कुल तय है कि ये यूक्रेन की धरती से गई है और यूक्रेनियन फोर्सेस के द्वारा लॉन्च की गई है। और इसका फ़ायदा पहली बार आपने देखा कि ज़ेलेंस्की ने यह कहा था कि ये रशिया ने दागी है। इसका मतलब वो आसपास के देशों को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आग थोड़ी और बढ़े। हम हमेशा से कहते आए कि पुतिन की स्ट्रेटजी रही है एस्केलेट टू डीस्केलेट। मुझे लगता है इन्होंने भी उनसे सीखा है एस्केलेट टू डीस्केलेट। अब वो चाहते हैं ये एस्केलेट हो, इसके लिए वो सारे संसाधन इकट्ठा कर रहे हैं। और उसके जवाब में रशिया के पास अब कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो बलपूर्वक, अगर मान लीजिए इसमें सारी वो स्थिति बनती है जिसमें रशिया प्लस बेलारूस वर्सेस यूक्रेन हो जाता है, क्योंकि अभी तक सीधे सीधे रशिया है। ये बहुत खतरनाक मोड़ होगा दिनेश, जैसा कह रहे थे हमारे अमिताभ जी भी, ये बहुत खतरनाक मोड़ होगा, क्योंकि इस मोड़ पर आकर के अब ज़ेलेंस्की और चीख पुकार मचाएंगे कि हमें अब नाटो को मदद करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ट्रूप्स भेज करके। अगर वो हो गया तो आप समझ लें कि ये इस यज्ञ में जो चल रहा है और अपने आप इंदा ज्वालामुखी बन चुका है, उसमें एक तरीके से बहुत जोर से ज्वाला आएगी, बहुत बड़ी ज्वाला का अंदेशा।